क्या किसी का आविष्कार किसी की मौत का कारण बन सकता है? आज हम एक ऐसे आविष्कार के बारे में जानेंगे जिसके आविष्कार ने उसके आविष्कारक को मौत की घाट तक उतार दिया। मैं बात कर रहा हूँ रुडोल्फ नामक एक मैकेनिकल इंजीनियर की, जिनका जन्म साल 1858 में पेरिस में हुआ, लेकिन वह कुछ समय बाद अपनी पढ़ाई के सिलसिले में जर्मनी चले गए और साल 1890 के दशक में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला डीजल इंजन बनाया। लेकिन कुछ समय बाद इस डीजल इंजन के साथ कुछ दिक्कतें भी आने लगी, जैसे यह डीजल इंजन उस समय आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और यह इंजन एक नई टेक्निक थी, जिसके कारण उस समय यह दूसरे इंजनों के मुकाबले काफ़ी धीरे काम किया करता था। तो धीरे धीरे इन दिक्कतों की वजह से लोगों के बीच इस इंजन की मांग खत्म हो गई और लोग इसे एक असफल आविष्कार की तरह देखने लगे। यहाँ तक कि खुद रुडोल्फ डीजल को ये लगने लगा कि उनकी बनाई गई यह मशीन दुनिया में किसी भी काम करने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम समय इस इंजन को बनाने में दे दिया था, जिसके कारण वह लोगों का रिजेक्शन और इस इंजन का फेलियर झेल नहीं पाए और साल 1913 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी खुदकुशी कर ली। लेकिन आज रुडोल्फ डीजल जहां भी होंगे उन्हें इस बात का अफसोस ज़रूर होगा कि शायद वह थोड़ी जल्दी हार मान गए, क्योंकि साल 2018 की एक रिपोर्ट की माने तो आज दुनिया भर की 60% कारें डीजल इंजन पर ही चलती हैं और डीजल इंजन का नाम डीजल रुडोल्फ डीजल के सम्मान में ही रखा गया है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतनी बड़ी खोज की, उनके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो और मेरे लिए तो सब्सक्राइब कर ही दोगे।